भाई 26 अगस्त ने जो है शाम को धरना जो है उठवा दिया था एसीपी मैम ने, और आज है 27 अगस्त यानी कि अगला दिन सुबह का टाइम हो चुका है। फिलहाल सामने देख सको सारे के सारे जो है लाखन माजरा ग्रामवासी जो है वापिस निकल आए हैं थाना के साइड में जो है रोहतक रोड को जो है जाम करने के लिए। देखो जो अपनी महिला शक्ति है सारे की सारी जो है आगे इंसाफ दिलाने के लिए फिलहाल लगातार लाइव तस्वीरें देख रहे भाई लाखन माजरा गाँव से। और यहाँ पर देख सकते हो भाई जो कल जो आश्वासन दिया था एसीपी मैडम ने कि भाई जो है कल कुछ कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी, अभी तक जो है ग्रामवासी सारे जो है उस कार्रवाई के इंतजार में है, लेकिन वो कार्रवाई जो है अभी तक नहीं हुई है, ऐसा जो है यहाँ के ग्रामवासियों का कहना है। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो है लाइव कल आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखी थी। तो आज फिर जो है अगले दिन कल तो जो है आश्वासन पर धरना उठवा दिया था, लेकिन आज जो है दोबारा धरने की शुरुआत करने लग रहे हो दोबारा। कोई इंसाफ मिलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। कल एसीपी मैम ने आश्वासन दिया था, उस आश्वासन का क्या है? सब झूठा है। 9 बजे तक आश्वासन था, लेकिन कोई नहीं किया। झूठा आश्वासन था, बिल्कुल झूठा। कोई एसपी डीएसपी कोई जिसका खोट था सस्पेंड नहीं है अभी तक? नहीं, कोई सस्पेंड नहीं है ना, कोई अरेस्ट किया है? कोई अरेस्ट नहीं किया है। कोई अरेस्ट नहीं किया। फिर आज जो है दोबारा अभी यहीं पे जो है जाम करोगे रास्ते को? नहीं, रास्ता वहाँ करेंगे, मेन रास्ते को करेंगे। मेन रास्ते को जाम करोगे? हाँ जी। फिलहाल लाइव तस्वीरें जो है लाखन माजरा गांव से आप देख रहे हो भाई, साथ के साथ तस्वीरें शेयर कर दी। अगला दिन है 27 अगस्त जो है सुबह के 10:55 का टाइम हो गया है। जो महिला शक्ति है, जो ग्रामवासी सारे बड़े बुजुर्ग जो है युवा निकले है गाँव से और दोबारा जो है रोड को जाम करने की जो है प्लानिंग करने लग रहे हैं कि भाई दोबारा रोड जाम करेंगे और हमें न्याय चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हिमांशु को जो है न्याय चाहिए, क्योंकि जो है 17 वर्षीय जो है युवक के 3 टुकड़े मिले हैं। बहुत बड़ी बात है हरियाणा के, ये हरियाणा की ये छवि नहीं थी, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हरियाणा में इस प्रकार से जो है ये काम हो गए। और हालांकि सबूत जो है पहले पेश कर दिए जा चुके हैं कि भाई ये सबूत है कि भाई इन्होंने किया है, और फिर भी जो है प्रशासन कार्रवाई नहीं करने लग रहा है। पूरा का पूरा जो है हरियाणा का पुलिस प्रशासन से जो है विश्वास उठता जाने लग रहा है। कैसे जिनसे हमें न्याय की उम्मीद होती है उन्हीं से न्याय नहीं मिलने लग रहा है। हालांकि आपको बता देते हैं कल इनके जो है ग्रामवासियों की और सभी की यही मांग थी कि भाई जो है प्रशासन से हमारा विश्वास उठ गया, अब हम विश्वास किस पर करें, आप हमें आश्वासन दो कि हमें न्याय मिले। लेकिन आज जो है फिर दोबारा सुबह का टाइम हो गया, दोबारा जो है सभी आसपास के ग्रामवासी जो है आसपास के गुआंडी भी आ गए हैं, लेकिन दोबारा रोड जाम करने के जो है प्रयास करने लग रहे हैं, दोबारा जो है रोड जाम करें भी गए। और साथ ही साथ जो है लाइव तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे लाखन माजरा गाँव से। ये देख लो भाई सारा का सारा जो है गाँव अभी निकलना शुरू हो गया, ट्रैक्टर लेके आ गए हैं, और साथ में इस पेट्रोल पंप पर थाने के साइड में जो लाखन माजरा थाना है उसके साइड में जो है पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप पर जो है सारी की सारी जनता इकट्ठी होने लग रही है। और ये देख लो भाई सारे के सारे जो है हमें न्याय चाहिए, मांग यही है कि न्याय चाहिए। अब न्याय के लिए कहाँ जाएंगे, न्याय के लिए कहाँ जाएंगे और किससे उम्मीद करें, किससे गुहार लगाएं, पुलिस प्रशासन से लगाएं क्या? वो ग्रामवासी पहले बताने लग रहे हैं खुद इन्वॉल्व है इस काम में, जब फिरौती की मांग जो है साफ साफ सबूतों के साथ जो है थाने में पेश कर दी गई, फिरौती मांगी है और आ भी भर ली, लेकिन फिर भी जो कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होने लग रही है। पुलिस प्रशासन की वजह से जो है हिमांशु की मौत हुई है, इसकी जान गई है, ऐसा ग्रामवासियों का कहना है कि भाई जो है सबसे बड़ा कारण अगर पुलिस प्रशासन मौके पर उठ जाता, उस पर कुछ कार्रवाई कर देता, तो आज जो है हिमांशु की जान बच जाती, कोई निर्दोष जो है नहीं मरता, नहीं चढ़ता इस जो है भ्रष्टाचार की बलि। लेकिन जो है आगे की तस्वीरें आपको साफ साफ यहाँ से दिखाएंगे, लगातार शेयर करते रहना वीडियो को। फिलहाल ये देख सको सारे के सारे जो है ग्रामवासी यहाँ पर आ गए हैं। पूछा गया जो कल जो भाई साहब कल यहाँ पे थे, आप यहाँ पे थे? हाँ रे थे भाई। क्या कुछ रहा जो कल आश्वासन दिया था एसीपी मैम ने, उस आश्वासन का क्या कुछ नहीं रहा भाई? कोई 8-9 बजे पूरी लाश ने ला देंगे, अरे उन पर कबूल करवा लेंगे। में नहीं एक खोपड़ी रो हाथ है भाई का और कि में पाया नहीं किट लाश दे रखी है, किट काट के दे रखा है, कहीं नहीं दे रहा। अच्छा, और जो जिसने ये काम करे है वो अरेस्ट हो लिया भी, उसके घर के भाज रहे हैं जो कई आदमी का काम है, एक आदमी का काम नहीं है। हाँ, एक आदमी का एक काम हो नहीं सकता। और साथ में जो बताने लग रहे हैं उसका रिमांड वगैरह हुआ है, उसने बताई बाकी टुकड़े कहाँ से? रिमांड कुछ नहीं हो रहा भाई, उसका पीछे खुआ रहे हैं मैं आईपीएस ऑफिसर हुआ थी, वो भी नहीं थी 8 बजे तक आपका सोल हो जाएगा, लेकिन अब तक कोई नहीं आया। 11 बज गया अगले दिन के। हाँ, कोई वो नहीं आया। बोला
गांव वाले भी ले जाएंगे, CFL टीम भी जाएगी, लेकिन तो कोई भी नहीं होया अभी तक जो है, कोई कार्रवाई नहीं है। अब जो ग्रामवासी किस चीज की तैयारी करने लगे, क्या करेंगे फिलहाल? बस ये रहेगा, और तुम्हारे बस का के में है नहीं, दोबारा रोड जाम करो। रोड का हमारे पास और तो कोई है नहीं। चलो भाई, लाइव तस्वीरें जो है साथ के साथ शेयर करते रहना। ग्रामवासी जो है दोबारा रोड जाम करेंगे, और इनका कहना है कि भाई कल जो है ACP मैम ने जो है 8-9 बजे का टाइम दिया था, 8 बजे जो है इमानसु के बाकी ऑर्गन्स, बाकी अंग जो है ढूंढ के जो है ले आएंगे, और अभी तक बताने लग रहे हैं ना कोई उसका जो है दोषी, उसका रिमांड हुआ है जो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं ये करने के। फिलहाल तो जो है आरोपी अभी तक जो है न्यायालय में जाने के बाद जो उसकी प्रॉपर तरीके से पुष्टि होगी। देख लो भाई, लाइव तस्वीरें जो है हम आपको लखन मादरा जो है गाँव वहाँ से दिखाने लग रहे हैं। सुबह के जो है 11 बजे का टाइम हो गया है, और अभी जो है सारे के सारे ग्रामवासी दोबारा इकट्ठे होने लग रहे हैं, और क्या कुछ करेंगे सारी बातें जो है जान देवांगे भाई साहब, क्या कुछ करने की दोबारा कल आश्वासन दिया था, क्या उस आश्वासन पर खरे उतर पाए? कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक, अभी बात चल रही है अंदर। कौन कौन बैठे हैं, किन की मीटिंग है? बलराज कुंडू है, DSP है, और घर के परिवार के सदस्य है। के प्रशासन न कोई उसके प्रशासन की तरफ से कोई क्लू आया? अभी तक कोई क्लू नहीं आया परिवार उस प्रशासन की तरफ से। भाई परिवार के जो है परिजनों से भी हम बात करेंगे। एक बार रुकना जी, एक बार आना, दो बात आपसे भी करनी है। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से जो है आपको अभी तक आश्वासन मिला आज? कल तो ऐसा ACP मैडम ने जो है आश्वासन दिया था कि 8 बजे जो है बड़ी कार्रवाई, क्या वो कार्रवाई हो पाई? नहीं भाई, अब तक नहीं हुई है। दोबारा ग्रामवासी सारे इकट्ठे होने लग रहे हैं, फिलहाल अब क्या करने की जो है आप प्रयास में हो? अभी अंदर बात चल रही है, फैसला आना बाकी है। हाँ, उसके बाद कार्रवाई होगी। किस विषय पे बात, मतलब क्या करने चाह रही है? मतलब पहले कल वाली जो आश्वासन दिया था वह बात अब तक वो पूरी नहीं हुई है, और जो बाकी के जो अपने लड़के के जो है बाकी ऑर्गन्स, बाकी अंग है, क्या उन वो मिल पाए? नहीं भैया, अब तक नहीं मिले। और जो वो पकड़ रखे, अरेस्ट करके जो दोषी है, बोल रहे हैं। क्या उसने ये बताया कि भाई लड़के के जो है बाकी अंग कहाँ है? अभी तक कुछ नहीं बताया, अभी तक कुछ नहीं बताया। और अभी तक जो है जो ऑर्गन्स मिले हैं अभी अपने पास ही है लड़के के जो है, तो कल मिले थे वही हैं बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई। परिजन जो है भाई तड़फ दिया, आत्मा तो जो है मांग करने लग रहे हैं हमारे माननीय न्यायालय से कि हमें न्याय दो। लड़के के जब जो है सिर की खोपड़ी और पसड़ी जो है हाथ की हड्डी बेचारे कट्टे में लेके गाड़ी में बैठे, फिलहाल देख लो भाई।